जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के निर्देशानुसार विद्यालयों में और शिक्षण संस्थानों में ये 15 दिवस का स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है। ये पहले सितंबर से 15 सितंबर तक मनाया जाना है और इस पखवाड़े के अंतर्गत जो इसका पहले दिन का कार्यक्रम था वो था स्वच्छता दिवस की शपथ, जैसा कि हमने आप लोगों को दिलाई थी स्वच्छता दिवस की शपथ। और इसके बाद आगे के कार्यक्रम उसी प्रकार से संचालित हमारे विद्यालय में हो रहे हैं और आज का जो कार्यक्रम है आज इसका छठा दिवस है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वच्छता प्रतिभागिता दिवस। और इस स्वच्छता प्रतिभागिता दिवस के अंतर्गत मैंने जैसा कि आप लोगों को कल ही बता दिया था कि बच्चे अपनी तैयारी के साथ आएंगे और यहाँ स्वच्छता से संबंधित पोस्टर, कुछ स्लोगन, कुछ निबंध इस तरीके से प्रतियोगिता कराएंगे। तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ इसीलिए बैठाया है कि आप सब लोग अब अपना स्वच्छता दिवस पर कोई भी स्वच्छता से संबंधित पोस्टर बनाने शुरू करें। धन्यवाद। जिसे पोस्टर बनाने हैं पोस्टर बना लो, जिसे निबंध लिखना है वो निबंध लिख लो स्वच्छता से संबंधित, ऐसा नहीं कि गाय का निबंध लिख दो, ठीक है। और जिसे स्लोगन लिखने हैं, स्लोगन भी है ना मैडम जी, स्लोगन जिसे स्लोगन लिखने हैं वो स्लोगन यानी कि नारे, नारे जैसे बोलते हैं ना सब रैलियों में बोलते हैं हम। हाँ, प्रतियोगिता चल रही है पोस्टर प्रतियोगिता। स्वच्छता से संबंधित ही चित्र बनाने कोशिश करना। अच्छा, ये स्वच्छता का चश्मा बन रहा है, क्या लिखा जाएगा इसके दोनों शीशों में? स्वच्छता भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छता भारत नहीं स्वच्छ भारत। तुम क्या बना रही हो? गिलास में स्वच्छता दिखाओगी? चलो सोचो ना कि स्वच्छता किस किस चीज से रखी जा सकती है, कहाँ कहाँ हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता तो हर जगह ही रखनी चाहिए, है ना, घर हो, स्कूल हो, कोई भी सार्वजनिक जगह हो। काम जोरों शोरों पे है पेंटिंग का, अब उसका रिजल्ट क्या आता है थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। बच्चों ने बना लिया, ये रोशनी तुमने क्या बनाया है? ये अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी सी पेंटिंग दिख रही है ये। अच्छा, खड़े होके बताओ क्या है, क्या क्या दिख रहा है इसमें बताओ। मैम जी, एक लड़की है, हाँ? ये साफ सफाई कर रहे हैं और एक लड़का है, हाँ, ये कूड़े को, और ये पीछे स्कूल है, हाँ, ये कूड़े को क्या कर रहे हैं, ये डस्टबिन में डालेंगे। यस मैम। चलो बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ ज्योति, तुम दिखाओ भाई, तुम्हारा तो और भी प्यारा लग रहा है। मैम जी, हमने ये तिरंगा बनाकर फिर ये पेड़ बनाए हैं, फिर एक ये लड़का है ये सफाई कर रहा है। अच्छा, तुमने दिखाया है तीन इंडिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा नीतू ने क्या बनाया है? ये मैम जी, एक ग्लास बनाया, बाल्टी बनाई, तिरंगा बनाया, चश्मा बनाया, कूड़ादान बनाया, झाड़ू बनाया। अच्छा, तुमने ये उपकरण ऐसे दिखा दिए हैं कि ये सफाई की चीजें इसमें हैं। चलो अच्छा है, तुमने क्या बनाया है भाई दीपांशी, दिखाओ। बनाया है, झाड़ू बनाया है। अच्छा अच्छा, ये डस्टबिन, अलग अलग तरीके के डस्टबिन तुमने बना दिए हैं। अच्छा, यूज मी दे वेस्ट, वेस्ट वेस्ट। अच्छा, ये बेटे डे नहीं होता, ये ड्राई है, टी आर वाई, ड्राई वेस्ट मीन्स सूखा सूखा कूड़ा जो होता है। ये क्या है? ये ड्राई है, डी आर वाई, ड्राई, ड्राई माने सूखा कूड़ा इस वाले कूड़ेदान में डालेंगे और गीला कूड़ा इस कूड़ेदान में डालेंगे। बहुत सुंदर। चलो, वेट मीन्स गीला, गीला कूड़ा कैसा होता है? ज्यादातर जैसे हमारी रसोई से निकलने वाला कूड़ा होता है, फलों के छिलके होते हैं, हाँ, सब्जियों के छिलके होते हैं, वो क्या होता है हमारा वेट, जो वेस्ट होता है। और ड्राई वेस्ट पॉलीथीन है, रैपर्स हैं, ये सारी चीजें क्या होते हैं हमारे ड्राई वेस्ट होते हैं। और इन्हें अलग अलग क्यों करते हैं हम, इन्हें अलग अलग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, एक सूखा कूड़ा और
गीला कूड़ा मिलकर उसमें कीटाणु हो जाते हैं। कीटाणु हो जाते हैं, चलिए अच्छा जो भी सोचा अच्छा सोचा। अब जैसे हम सबके यहाँ पशु भी पलते हैं, किचन का जो वेस्ट निकलता है वो हम अपने पशुओं को खिला सकते हैं। अगर हम सूखा कूड़ा, सूखा जो कचरा है या वेस्ट है उसे मिक्स कर देंगे गीले कचरे के साथ, जैसे सब्जियों के छिलके, अगर उसमें कांच की टूटी हुई बोतल अगर दोनों को एक साथ एक डस्टबिन में डाल दें, तो क्या उसे हम फिर पशुओं को खिला सकते हैं? नहीं। अब कुछ घर ऐसे भी हैं जैसे शहरों में होता है कि वहां पशु तो पलते नहीं, वो उस चीज का क्या करें गीले कूड़े का, तो वहां क्या किया जाता है कि उसकी कंपोस्ट खाद बना लेते हैं, वो किसी ऐसी चीज में उसे स्टोर करके उसे सड़ा लिया जाता है, गला लिया जाता है और उसकी खाद बना लेते हैं और वो गमलों वगैरह में प्रयुक्त कर ली जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी काम हम करें उसका हमें मतलब भी पता होना चाहिए कि वो काम हमने क्यों किया है। अरे गौरव तुमने क्या लिखा है, ये स्लोगन पढ़ के सुनाओ, अच्छा है बताओ। गांव शहर स्वच्छ बनाएंगे, बीमारी दूर भगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसी बनाओ और लिखना, बैठो। हाँ भाई अंजलि तुम क्या कर रही हो? स्कूल बनाया है, स्कूल के बाहर सफाई हो रही है। चलो अच्छा है। क्या बनाया है? ये चश्मा बना रखा है, क्या दिखाई दे रहा है चश्मे में? झंडा भी बनाया है। चलो रहा झंडा भी, और क्या है इसने चश्मे के अंदर? स्वच्छ भारत दिखाया है चश्मे में। अच्छा ठीक, स्वच्छता भारत, स्वच्छ भारत है ना। चलो एक कदम स्वच्छता की ओर, बहुत अच्छा, गुड, बैठ जाओ। हाँ भाई हर्ष ने भी यही बनाया है, अच्छा लग रहा है इसे, और थोड़ा सा और उसे अच्छा सा करके दिखाया है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता का चश्मा दिखाया है, अच्छा है, बहुत सुंदर। स्वच्छता की ये जो ओर है बेटे, इस ओर पे सिंगल मात्रा, ओ की मात्रा एक लगती मात्रा है। लगेगी, ठीक है। अच्छा दीपांशु खड़े हो जाओ, इन्होंने भी, चलो अच्छा है, अच्छा प्रयास है सबका। और हमारे किस किस बच्चे का था निबंध, आ जाओ, कौन लिख रहे थे निबंध, दिखाओ अपना निकाल करके, नाम बोलो अपना। माय नेम इज आर्सेनिक। माय नेम इज शुभम कुमार। शिवम कुमार, स्वच्छता पर निबंध, स्वच्छता पर निबंध लिखा है, बहुत अच्छा। हाँ ये शिवम ने लिखा है निबंध स्वच्छ भारत पर, कि मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्लोगन है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। चलो बहुत अच्छा काम है सबका, और इसी तरीके से बैठ जाइए आप सभी बच्चे, बैठ जाओ। बहुत अच्छा प्रयास करा है सबने, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। अब इसके साथ साथ हमें अब क्या ध्यान रखना है कि हमारी स्वच्छता तो ये रेगुलर की है, रोज की स्वच्छता है, स्वच्छता का कोई दिन नहीं होता, जैसा मानव आदम में दिया गया है ये टारगेट कि जी 15 दिन का स्वच्छता का पखवाड़ा है, तो वो तो इसलिए दिया है कि जिससे हम लोग तो क्या रिविजन होता रहे, एक तरीके से रिवाइज होता रहे कि स्वच्छता कितनी जरूरी है बताया गया। लेकिन स्वच्छता क्या है वो तो हमें रेगुलर करनी है, ऐसा तो है नहीं कि हम आज नहाएंगे और 4 दिन में नहाएंगे, है ना। तो क्या है कि हमें अपनी शारीरिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे पहले नंबर पे आवश्यक है, और उसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है हमारा, उसमें हमें अपनी साफ सफाई टेस्ट करना है, नहाना धोना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, और उसके बाद क्या है हमारे आसपास की सफाई, हमारे विद्यालय की सफाई, हम जहां रह रहे हैं वहां क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज सफाई के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारी आसपास की ग्रीनरी यानी कि हरियाली बहुत आवश्यक है, और हरियाली के लिए हमें क्या करना चाहिए, पौधा एक पेड़ अवश्य हर बच्चे को लगाना चाहिए। तो तुम सब भी ये प्रयास करना कि एक पेड़ अपने नाम का एक पेड़ जरूर लगाओ, ठीक है, धन्यवाद, गुड।